कैसे कैसे ऐसा कर तो बहुत पड़े होंगे सुख एक्सपीरियंस ट्रेनर सिखाएंगे। एक इंस्टाग्राम रील ट्रेनिंग रील के बारे में टीचर बताऊंगा, बीट रील है तो काफ़ी यूनिक है और इजी तरीके आप लोगों को टीचर दूंगा। तो इंस्टाग्राम ट्रेनर खुद के फोटो से बना के इंस्टाग्राम रील अपलोड करेगा ना, तो आप लोगों को वीडियो वायरल हो सकता है। इंस्टाग्राम ट्रेनिंग करने के लिए आप लोगों को वीडियो को फुल वॉच करना पड़ेगा। वीडियो में जो कुछ मेटेरियल वगैरह यूज करूँगा सभी का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डायरेक्ट मेटेरियल को डाउनलोड करना चाहते हो तो मेटेरियल कम से मिल जाए, ऊपर सारे मेटेरियल का लिंक मिल जाएगा। सुख वीडियो अच्छा लगना वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पहले बार तो इसी तरह एडिटिंग वीडियो मिलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बाल का बेल आइकन उसको ऑल पे प्रेस कर देना। सो गाइस हम बिल टू अपलोड फिल टू एमटेक चैनल के वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। हे गाइस ऑलराइट, इसी तरीके आप लोगों को पिटिंग टेढ़े से एडिटिंग करने के लिए फोन के अंदर एक ऐप रहना जरूरी है, वो ऐप है VN। VN एप्लीकेशन आप लोगों का नहीं है तो मैं टेलीग्राम चैनल में जाओ, तो मैं टेलीग्राम चैनल सारे एप्लीकेशन का एपीके का यहाँ पे पिन मार कर रखा होता है, यहाँ पे आप लोग को VN एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, ऊपर टच कर देना, इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। और अब लेटेस्ट वर्जन एक अपडेट आया है एलामोशन ऐप का, तो वो भी आप लोग को नीचे सेलेक्ट करके मिल जाएगा। नहीं डाउनलोड किया तो आप लोग सिंपली उसको भी डाउनलोड कर लेना, उसको भी लिंक मैंने देकर रखा हूँ नीचे सेट, तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। VN एप्लीकेशन को भी आप लोग को यहाँ पे ढूंढ के ऊपर ले लेना पड़ेगा, नहीं है तो और आप लोग चाहते हो फ्री में प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, कर लेना। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक के ऊपर टच करोगे डायरेक्टली में टेलीग्राम चैनल में आ जाओगे। वो लिंक गाइस नहीं काम करेगा टेलीग्राम एम में, मेरा चैनल नाम सर्च कर सकते हो बिल टू एम टेक बोल करके, तो आप लोग सबसे ऊपर मेरा चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना। सो गाइस मैं जो इस स्टेटस एडिटिंग करने के लिए फोटो वगैरह यूज़ करूँगा सभी का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग डाउनलोड कर लेना। और जो मैं ऑडियो भी यूज़ करूँगा वो भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और टेलीग्राम चैनल में आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। सिंपली आप लोग फर्स्ट टाइम ओपन करोगे कुछ परमिशन मांगेगा, अलाउ कर देना। मैंने ऑलरेडी करके रखा हो तो सिंपली इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। परमिशन देने के बाद आप लोग सिंपली जहाँ पे अभी जाओगे सिंपली प्लस आइकन शो कर रहे हैं, प्लस आइकन को टच करिए नीचे, उसके बाद सिंपली न्यू प्रोजेक्ट पे टच करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग जाना पड़ेगा सिंपली यहाँ पे फोटो एंड वीडियो है, तो हम लोग फोटो से एडिटिंग करेंगे तो फोटो पे जाएंगे, उसके बाद कुछ फोटो को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। तो जो फोटो मैं दूंगा वो फोटो आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो इस सॉन्ग के ऊपर टेटस एडिटिंग करने के लिए, और नहीं तो आप लोग अपना भी फोटो दे करके इस टाइप का टेटस एडिटिंग कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पे टिक मार करिए, ऐसे करके आप लोग बिंदी लगा देना पड़ेगा। तो ऐसे करके आप लोगों को कितना फोटो लगेगा मैं बता दूँ, 30 फोटो आप लोगों को लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 30 फोटो आप लोगों को इंटर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं 13 फोटो को ऐड कर लूँगा। यहाँ पे कितना हुआ है बस 20, और हम लोग को 10 चाहिए, तो यहाँ पे और नीचे से जा करके कुछ फ़ोटो और लेते हैं। सिंपल ऐसे करके आप लोगों को 20 फोटो को सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा अपना, और चाहो तो मेरा भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। ऐसे करके आप लोग को 20 फोटो करना पड़ेगा, करने के सिंपली एरो में एक बार टच करना पड़ेगा। उसके बाद सिंपली आप लोगों को यहाँ पे ऑडियो ऐड करना पड़ेगा, और इसका रेशियो जो है आप लोगों को सिलेक्ट करके दिखा दूंगा। तो ऑडियो चेंज करेंगे सबसे पहले, नहीं बाद में करूँगा, तो सबसे पहले इसका जो रेशियो इसको हम लोग चेंज कर देते हैं। सिंपली ऊपर वाले यहाँ पर टच करिए, उसे सिंपली इस टाइप का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आप लोग जिस रेशियो से डेटा एडिटिंग करना चाहते हो तो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। सिंपली 9:16 में करूँगा, कर दिया, करने के सिंपली फिर से ऊपर टच कर देना वो चला जाएगा। उसके बाद आप लोग चाहो तो फोटो को ऐसे करके एडजस्टमेंट कर सकते हो, लेयर के ऊपर टच करके सिंपली ऐसे करके प्रेस करके लेयर के ऊपर प्रेस करके ऐसे करके फोटो को एडजस्टमेंट कर सकते हो, तो कर लेना। मैं कुछ भी नहीं करूँगा तो रहेगा अच्छे से, और नहीं रहेगा तो लोग ऐसे करके करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सिंपली आप लोगों को जो काम करना पड़ेगा लास्ट में एक लोगो शो करेगा, इस लोगो को डिलीट करना पड़ेगा लेयर के ऊपर टच करके। सिंपली डिलीट ऑप्शन टच करके यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं नहीं सर। उसके बाद आप लोगों को सिंपली जो काम करना पड़ेगा गाइस, सिंपली आप लोग यहाँ पे ऑडियो ऐड करिए। ऑडियो ऐड करने के लिए सिंपली जहाँ पे जाओगे इस प्लस आइकन जो शो कर रहा है म्यूजिक के पास यहाँ पे टच करना पड़ेगा। उसके सिंपली एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा करके हम लोग ऑडियो को लेंगे वीडियो से, म्यूजिक से भी आप लोग कर सकते हो। तो सिंपली मैं एक्स्ट्रा करके ऑडियो को लूँगा, एक्स्ट्रा फ्रॉम ऑडियो पे जाएंगे, उसके सिंपली हम लोग प्लस आइकन में टच करेंगे। उसके सिंपली हम लोग एक्स्ट्रा फ्रॉम वीडियो है इसके ऊपर टच करेंगे। उसके बाद वीडियो को हम लोग एक्स्ट्रा के ऑडियो को ले लेंगे, तो वीडियो को हम लोग एक्स्ट्रा को ले लेंगे, उसको क्लिक करके इसको ओके पर टच कर देंगे, हो गया। उसके सिंपली हम इसको चूज़ कर देंगे गाइस। चूज़ करने के बाद अभी आप लोगों को सिंपली ऑडियो आ जाएगा। उसके बाद सिंपली आप लोग जो काम करोगे मैं आप लोगों को बताऊँगा, सिंपली ध्यान से देख लीजिए। तो सबसे पहले ऑडियो को ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद इसका जो फोटो मैंने सिलेक्ट किया सारे फोटो का ड्यूरेशन अभी आप लोग को ऑडियो के हिसाब से सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने ऑडियो फोटो का ऑडियो हिसाब से एडजस्टमेंट करके रखा, उस प्रोजेक्ट को अभी ओपन करके दिखा दूंगा, और कौन सा इफेक्ट भी लगा के रखा वो भी आप लोग को ध्यान से बता दूंगा। तो वीडियो को फुल वॉच करते रहिए। तो मैं इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर देता गाइस, एग्जिट करके बैक हो जाऊंगा। उसके सिंपली मैं जो करके रखा था प्रोजेक्ट को उसको ओपन कर लिया। तो ऑडियो के हिसाब से मेरा ये सारे फोटो एडजस्टमेंट है। तो लोग फोटो एडजस्टमेंट करने के बाद ही इस टाइप का आप लोग का साइज हो जाएगा सारे फोटो लेयर का। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए 30 तो फोटो आप लोग ऐड करना पड़ेगा। तो 30 फोटो ऐड करने के बाद सिंपली आप लोग को 8 फोटो का ड्यूरेशन रखना पड़ेगा, कितना 0.15 आप लोग को 8 फोटो का फास्ट रखना पड़ेगा। 8 फोटो को हम लोग 0.15
15 रखा, ठीक है 0.15। उसके बाद में जो आ रहा है आप लोग को 8 फोटो को, तो सबसे पहले 0.15 करना पड़ेगा, बाद में जो भी फोटो रहेगा वो सारे फोटो आप लोगों को रखना पड़ेगा कितना 0.13, और नहीं सिंपली इसका ही साइज है। उसके बाद आप लोगों को जो इफेक्ट देकर रखा वो भी आप लोग इफेक्ट देख लीजिए कौन सा इफेक्ट मैंने ऐड किया। तो सिंपली मैं लेयर को इंक्रीज ही करता हूँ, लेयर के ऊपर टच करेंगे, उसके बाद सिंपली हम लोग जो इफेक्ट है इसके ऊपर टच करेंगे। इफेक्ट पर जाने के सिंपली आप लोग यहाँ पे जो इफेक्ट है यहाँ पे फर्स्ट इफेक्ट रहेगा, फर्स्ट इफेक्ट कौन सा है यहाँ पे जूम आउट, हम लोग जूम आउट दिया सारे फोटो के अंदर, यहाँ पे सारे फोटो के अंदर 8 फोटो के अंदर आप लोग को जूम आउट देना पड़ेगा। तो 8 फोटो का आप लोग को जूम आउट देना पड़ेगा, तो सिंपली गिन लीजिए आप लोग ध्यान से, यहाँ पे 8 फोटो तक आप लोग को जूम आउट लगाना पड़ेगा। तो इतना तक हो गया, तो इतना तक आप लोग 8 फोटो को जूम आउट। उसके बाद सिंपली आ रहा है 13 फोटो, सारे 13 फोटो रहेगा बाद में जो आप लोग ऐड करोगे। तो इसका जो इफेक्ट मैंने देकर एक पे जाइए, उसके बाद फ्लाइव है, फ्लाइव पे हम लोग कितना दिया 1 2 3 4 5 6 7 सात तक आप लोगों को फ्लिक, सॉरी मैंने इसको फ्लिक नहीं लगाया, क्या मैं इसको फ्लिक तक दूंगा, 7 तक आप फ्लिक देना पड़ेगा। उसके बाद सिंपली देख लीजिए एक बार फ्लिक को, हाँ 7 तक फ्लिक देना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को फिर से आप लोगों को जो इफेक्ट देना पड़ेगा 13 फोटो रहेगा साइज का, इंक्रीज नहीं करना पड़ेगा। तो इफेक्ट्स पर जाइए, उसके बाद फिर से आप लोगों को जूम आउट देना पड़ेगा कितना तक 1 2 3 4 5 6 फोटो को जूम आउट देना पड़ेगा, ठीक है मैंने गलती कर दिया क्या, हाँ जूम आउट 6 फोटो को जूम आउट देना पड़ेगा। उसके फिर से आप लोगों को यहाँ पे इफेक्ट्स देना पड़ेगा। तो मैं सारे जो मैंने इफेक्ट लगा के रखा उसका एक स्क्रीनशॉट दे दूंगा आप लोगों को, आप लोग देख लेना, देखने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कैसे मैं कहाँ पे कौन सा इफेक्ट देकर रखा। दो इफेक्ट मैंने यूज़ किया फ्लिक एंड जूम आउट, ठीक है। तो सारे फोटो को आप लोगों को एडजस्टमेंट कर देना पड़ेगा इस तरीके से। उसके बाद लोगों वीडियो को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग चैनल नेम इंस्टा लोगों जो भी ऐड करना चाहते हो यहाँ पे जाके भी आप लोग कर सकते हो, और नहीं तो आप लोग एमेजन में जाके भी उसका भी चैनल को वाटरमार्क जो भी है ऐड कर सकते हो। सिंपली अभी वीडियो को फोन के अंदर सेव करने के लिए एक्सपोर्ट पर टच करेंगे, उससे एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगा। तो थोड़ी देर आप लोग वेट करना पड़ेगा, तो एक्सपोर्ट हो रहा है आप लोग देख सकते हो। उसके बाद इंटरफेस आ जाएगा सेव टू एल्बम बोल करके, तो उसके ऊपर आप लोग क्लिक कर दोगे तो सिंपली वीडियो फोन के अंदर आप लोग को सेव हो जाएगा। ओके गाइस, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन आता है उसको और प्रेस कर देना इधर गाइडिंग वीडियो मिलने के लिए, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और गाइस प्लीज़ कमेंट्स में जरूर बता सकते हो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा बुरा लगा, और हो सके तो प्लीज़ वीडियो को फिर से शेयर भी कर दो, भाई को थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। और गाइस कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ भी डाउट वगैरह रहता है तो मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करके जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग ऑल, बाय बाय।